गुड मॉर्निंग, आज हम आपका बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो ये वीडियो है, ये क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। तो आपको पता होगा चैप्टर 1 आपका कौन सा है, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, शिमला, देहरादून, हॉरच एंड लखनऊ। तो अब आप गेस करके साथ साथ मेरे आंसर करेंगे और एट द एंड आप बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स करेक्ट हुए। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगी जिसमें आपको करना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NBRI का यहाँ पे बनाया हुआ है। NBRI का फुल फॉर्म भी आता है आपके एग्जाम में, एब्रीवेशंस में, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, लखनऊ में ये लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। की स्टोन स्पीसीज आर, तो जल्दी से आंसर करेंगे, ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा। तो आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, किसी लॉक की होती है ना, तो वो स्पेसिफिक होती है ना, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो क्या होंगे ऑप्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज, लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो आपको पता होगा IUCN की कैटेगरी में, IUCN ने आपका बनाया हुआ है इंटरनेशनल यूनियन IUCN कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहाँ पे इसने आपकी कैटेगरी डिवाइड करी है इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ये सब। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। अब आप दो में से जल्दी आंसर करेंगे, ए बी सी डी क्या आंसर होगा, इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होंगी की स्टोन स्पीसीज। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर इज ए, इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। तो की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं आपके किसके लिए, इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या भी ध्यान में रखना है, जो की स्टोन स्पीसीज होती हैं ये प्लांट की भी हो सकती हैं और आपके एनिमल की भी हो सकती हैं, ठीक है। इनको की स्टोन क्यों बोलते हैं, नाम से देखिए, बिकॉज ये आपका एक यूनिक एंड क्रूशियल रोल जो होती है ये प्ले करती हैं इकोसिस्टम को फंक्शन करने में, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको, की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। इकोसिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी क्या भी ध्यान में रखना है, ये प्लांट की भी स्पीसीज हो सकती हैं और एनिमल की भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय। साइंटिफिक नेम आपको पता होगा ना, प्लांट्स के किस किस के थ्रू दिए जाते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है, जैसे ह्यूमन का होमो सेपियंस सेपियंस, है ना। तो इस तरीके से हर एक प्लांट के भी आपके क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक नेम देती है प्लांट्स को। ऑप्शंस आपके सामने है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल प्लांट, उसके बाद बोटानिकल नॉमनक्लेचर, लास्ट वन इज जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। तो आपके सामने यहाँ पे है देखिए ICBN, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमनक्लेचर, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको मुझे इसका हेडक्वार्टर बताना है, इसका कोई हेडक्वार्टर भी है क्या, आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इससे रिलेटेड अब मैं आपको कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देती हूँ। ICBN, ICZN और टैक्सोनॉमी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको याद रखनी है। ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमनक्लेचर। ये किस चीज़ को साइंटिफिक नेम देती है, प्लांट्स को। तो प्लांट के अलावा एनिमल भी होते हैं, तो एनिमल को जो साइंटिफिक नेम देता है, बस बी की जगह क्या कर देना है, जेड। जेड का मतलब क्या है, जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। किस चीज़ के लिए होगा ये, नेम टू एनिमल। समझ में आया, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लांट को देती है, दूसरी किसको देती है, एनिमल को। जो प्लांट को देती है उसका नाम बी है बोटानिकल, और जो एनिमल को देती है वो कौन सी आपकी, जूलॉजिकल नेशनल जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद आपका है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है टैक्सोनॉमी क्या होता है। ये क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के का प्रिंसिपल होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे अभी हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये अरेंजमेंट होता है वेरियस टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये सारे आपके डिवीज़न, किंगडम, ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो यहाँ से आपको देखो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, एक सीक्वेंस में या प्रोसीजर हो रहा है,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, सारा ये सब किस में आएगा आपका, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, ठीक है। उसके बाद है आपका एक सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं आपके, ये किस चीज़ से डील करते हैं, डील विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। समझ में आ रहा है, ये आपके क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का बेस्ड ऑन उनकी डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप उनके बीच में किस तरीके का है। और किसने ये टर्म प्रपोज किया था, पूछ देगा एग्जाम में, हु प्रपोज द टर्म, तो किसने किया था, कैरोलस ने, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से गेन करी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ICBN, ICZN, टैक्सोनॉमी, और उसके अलावा मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सिस्टम विच गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। जो सिस्टम में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी होती है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेटेड सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम, थर्ड वन इज ओपन सिस्टम, एंड लास्ट वन इज स्टेडी स्टेट। तो आप लोग जरा आंसर करेंगे इसका, कौन सा ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी होते रहेगा। स्टेडी का मतलब होता है एक जगह पर रुका हुआ, तो क्या इसमें कंटिन्यूस फ्लो होगा एनर्जी का, नहीं, तो एलिमिनेट कर दीजिए। क्लोज सिस्टम बंद है वो, क्या उसमें एनर्जी फ्लो कर पाएगी कंटिन्यूसली, नहीं। अब दो में आप लोग आंसर करेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में आपका जो होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, क्यों, क्योंकि एक जगह से आएगा दूसरी जगह क्या होगा आपका जाएगा, ओपन है ना, तो इजीली पास आउट हो जाएगा। तो यानी कि कंटिन्यूस क्या हो रहा है आपका, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, यहाँ से एनर्जी आपकी आ रही है और दूसरी जगह से एनर्जी क्या हो रही है आपकी जा रही है। तो यही होता है आपका कंटिन्यूस एनर्जी का क्या होना, फ्लो होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, एर्नेस्ट मेयर, अलेक्जेंडर, उसके बाद है आपका कैरोलस लीनियस, फिर उसके बाद है अलेक्जेंडर, एजेसिस एंड कैरोलस लीनियस। अब सबसे पहले तो इसमें समझना है कि ये बायनोमियल का मतलब क्या होता है। नॉमनक्लेचर का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑफ नेमिंग, नॉमनक्लेचर का मतलब क्या है, नाम देना किसी को, तो नॉमन का मतलब होता है किसी को नेम देना, नॉमनक्लेचर कर दिया तो मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ नेमिंग, ठीक है। अब बायनोमियल को ब्रेक करेंगे, जैसे देखो बाय का मतलब क्या होता है, टू, और उसके बाद नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नेम, ठीक है। तो बायनोमियल का मतलब क्या है, टू नेम, नॉमनक्लेचर का मतलब सिस्टम ऑफ नेमिंग। अब समझते हैं इसको थोड़ा और, ये सबसे पहले कैरोलस वॉन लीनियस ने दिया था, ठीक है। अब इनकी टू वर्ड का मीनिंग क्या है, नेमिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जीनस, और दूसरा आपका क्या होगा, स्पीसीज, ठीक है। फर्स्ट वन इज जीनस, सेकेंड आपका क्या है, स्पीसीज, एक आपका जीनस को बताता है, दूसरा आपको किसका बताता है, स्पीसीज को बताता है, ठीक है। ये बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर जो फर्स्ट प्रपोज किया था, किसने किया था, लीनियस ने किया था। उसके बाद यहाँ पे दो पार्ट में दिया था, जैसे एग्जांपल करके आप किसी को भी देखेंगे, एक क्या बताएगा, जीनस, और दूसरा आपका क्या बताएगा, किसी भी चीज़ की स्पीसीज को, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आंसर क्या है आपका, कैरोलस लीनियस। ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है आपका, साइंटिफिक नेम टू कंपोनेंट का, एक होता है उसका जेनेरिक नेम एंड दूसरा आपका क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल नॉमनक्लेचर, ठीक है। तो बायनोमियल नॉमनक्लेचर के बारे में हमने समझा। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी। आंसर करेंगे प्लांटिस, एनिमिलिया, मोनेरास एंड प्रोटिस्टास, क्या होंगे इसका आंसर, किसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, आप इसको गेस करके आंसर करेंगे, ए बी सी डी, जल्दी से ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और करेक्ट आंसर पे आइए। चलिए इसको करने से पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और ऑर्गेनिज्म थोड़ा हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन देख लेते हैं, फिर हम इसका आंसर करेंगे। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों आपके, दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब एक सिंगल स्पीसीज, कैसे बनते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के पीछे की स्टोरी क्या है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, ऑर्गेनिज्म कैसे आते हैं ऑर्गेनिज्म पे, ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए देखिए सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से, इससे पीछे भी आपकी स्टोरी होती क्या होती है, सबने पढ़ाया है सेल से टिश्यू, टिश्यू से आपके क्या बनेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
ये आपका बैकग्राउंड है। अब ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरे क्या होते हैं यूकैरियोटिक। आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस में हम डिटेल में करेंगे, हमें बेसिक समझ लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोटिक में भी आपके दो तरीके के आएंगे, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। अब ह्यूमन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मल्टी सेलुलर। हम सिंगल सेलुलर है क्या? नहीं, हम मल्टी सेलुलर है, तो हम यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर में आपका क्या आएगा, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर में भी दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट वन इज विथ सेल वॉल, जिसकी सेल वॉल होती है, और दूसरे आपके क्या होंगे, विदाउट सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल नहीं होगी। तो विथ सेल वॉल में कौन से आते हैं आपके, नॉन ग्रीन एंड डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नॉन ग्रीन बैक्टीरियाज आएंगे जो फोटोसिंथेसिस को नहीं परफॉर्म करेंगे, एग्जाम्पल फंजाई। इसमें कौन आएंगे, ग्रीन आएंगे, जो ग्रीन आ गया तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। इसमें कौन आएंगे आपके, प्लांटिया, सारे प्लांट आते हैं इसमें। प्लांट भी तो आपका क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। यूकैरियोटिक में कौन सा है, विथ सेल वॉल, जिसकी सेल वॉल होती है, ठीक है। अब विदाउट सेल वॉल में क्या आएगा आपका, एनीमिलिया। तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी शो करता है वो कौन सा होता है, यही होता है, एनीमिलिया ही होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एनिमल किंगडम को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए चार्ट, एनिमल किंगडम में सबसे पहले आपके आएंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे आपके क्या आएंगे, टिश्यू। सेलुलर में आपका क्या आएगा, प्रोलीफेरा, इसको बना लेना एक कॉपी में, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ में अब्सेंट होता है, उसमें कुछ में प्रेजेंट होता है, उसके बाद ट्रू किस में प्रेजेंट होते हैं, इसके बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एनिलीडिया, एंथ्रोपोडा, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बार बार देखेंगे, ये जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसको बाकी हम डिटेल में करेंगे चैप्टर्स में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन, कहाँ पे ओजोन लेयर फाउंड होती है, हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। तो सबसे पहले देखेंगे अर्थ की लेयर, यहाँ देखेंगे सबसे नीचे आपकी कौन सी आती है, सबसे नीचे आपकी आती है यहाँ पे देखेंगे ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आपकी आएगी स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड लास्ट वन कौन सी होती है आपकी, एक्सोस्फीयर। तो कहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, बी स्ट्रेटोस्फीयर में। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो ये सबसे लोवेस्ट लेयर भी होती है अर्थ की, कौन सी भी होती है, लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे अर्थ की लेयर्स भी बता देती हूँ, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेयर्स भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपकी आएगी ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले कौन सी आएगी, ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद आपकी कौन सी आती है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर आंसर है। ट्रोपोस्फेयर में दो लेयर आती हैं, एक होती है लिथोस्फेयर और दूसरी आपकी कौन सी होती है, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है आपका, पानी। तो सबसे नीचे वाली लेयर यही होगी आपकी, जिसमें हाइड्रो आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए ये ओजोन लेयर करती क्या है, इसका काम देखिए, ये ओजोन लेयर हमको सन से, देखिए सन से जितनी भी यूवी रेज आ रही है हानिकारक, उनसे हमको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ओजोन लेयर का डेप्लीकेशन हो रहा है, ओजोन लेयर होल होती रह रही है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटिक कंडीशंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें देखिए सबसे पहले है फिजियोलॉजी, क्या होता है, स्टडी एंड फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ, फिजियोलॉजी, समझ में आ रहा है। उसके बाद पेडोलॉजी क्या है, सॉइल साइंस। उसके बाद लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर। एंड लास्ट है आपका काइनेसोलॉजी, इसका मतलब आपका लिखा हुआ है फॉसिल्स की स्टडी। ये सारे जो हैं आपके, इसको नोट कर लेना, एक जगह एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा आपका इनकरेक्ट, आपको फाइंड करना था डी, ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी तीन को आपको याद रख लेना है जो करेक्ट आपको मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अगला है आपका सोलेनम, पैंथेरा, होमो आर द एग्जाम्पल ऑफ। होमो से तो आप गेस कर सकते हैं, होमो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये फैमिली, डिवीजन, जीनस और स्पीसीज। अभी हमने पढ़ा था ना टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, उसमें बताया था ना, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है बताएंगे, फैमिली, डिवीजन, जेनेरा, स्पीसीज, किस चीज़ का होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका जेनेरा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए ये होता है ना, किसी भी स्पीसीज की सबसे पहले क्या होगी,
सबसे पहले स्पीसीज होगी, उसका जीनस होगा, उसकी फैमिली होगी, ऑर्डर होगा, क्लास होगा, फाइलम होगा, किंगडम होगा, और लास्ट में उसका क्या होगा, डोमेन, जहाँ से वो मेनली वो करता है। ये आपका पूरा एक चार्ट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, आपको टॉपिक्स बताए हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ से देखिए जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम एंड लास्ट वन इज उसका डोमेन। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन, टू टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय, कैसे दो टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होती हैं, देयर फेलियर ऑफ इंटरब्रीड, देयर एबिलिटी टू एक्सचेंज जीन फ्रीली, देयर सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, लास्ट वन इज डिसकंटिन्यूटी इन अ सेट ऑफ करेक्टेड करेक्टर। आप लोग इसका मुझे आंसर करेंगे, ए बी सी डी क्या इसका आंसर है। चलिए आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसके मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ये पार्ट टू है इसका, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पार्ट वन